विश पूरी होने से पहले ऐसा जरूर होगा। जी हाँ, आज की वीडियो में आप यही जानने वाले हैं। इस वीडियो में बताने वाले हूँ कि जब आपकी इच्छा पूरी होने वाली होती है तो कौन सा बड़ा शाइन है जो मिलता है यूनिवर्स की तरफ से, कौन सी चीज़ें हैं जो अचानक से आपकी लाइफ में आ जाती हैं। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में इन तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और अपनी अपनी सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि अगर आपकी कोई स्पेसिफिक विश थी जिसे आप चाह रहे थे कि बहुत जल्दी पूरी हो जाए, और अगर वो विश पूरी होने वाली है तो कौन सा संकेत है जो आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलता है। तो वीडियो में इन तक बने रहेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप वीडियो को वॉच कर पाएं। तो सबसे पहला शाइन है कि जब आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाती है और आपको रिसीव करना होता है, उस समय पर आप अचानक से अपने विश से डिसकनेक्ट हो जाते हैं। आप उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको अंदर से उस चीज़ से चिढ़ हो जाती है या आप चाहते हैं कि वो विश पूरी ही ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि आपको अंदर से ऐसा फील होने लगता है कि आपकी वो विश पूरी हो गई है। आप उस विश को लेके टेंशन नहीं लेते हैं, आप उस विश से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं बोलते हैं ना सोचते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी वो विश मैनिफेस्ट हो गई है। शाइन नंबर टू, एंजल नंबर्स का दिखना, जिसमें एंजल नंबर 1111 अगर आपको दिख रहा है, मतलब आपकी वो इच्छा बहुत जल्द आपके सामने पूरी होके आने वाली है। बात करें तीसरे संकेत की, तो सब लोगों के साथ सेम सिचुएशन नहीं होता है। मैं जो भी बता रही हूँ वो हर किसी के साथ अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से साइन मिल सकता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब उनकी कोई बड़ी सी इच्छा पूरी होने वाली होती है जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया होता है, बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारी टेक्निक, यहाँ तक कि पूजा मंत्रों का जाप आप बहुत कुछ कर चुके होते हैं, डिसकनेक्ट हो गए हैं अपने विश से, आपने लेट गो कर दिया है, फिर भी वो इच्छा पूरी नहीं हो रही थी और अचानक से आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी आने लगती है। हर कोई आपसे आर्ग्यूमेंट करता है, अचानक से लोगों का चिड़चिड़ा होना आपके प्रति, अचानक से वैसे लोग आपको छोड़ के जाने लगते हैं जिनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। अगर ये सारे साइन मिल रहे हैं और आप अपनी किसी इच्छा को पूरी करना चाह रहे थे और बहुत बड़ी इच्छा थी, तो समझ लीजिए कि ये जो बड़ी सी सिचुएशन आई है ना, जो आपको बहुत मुश्किल लग रही है, इसके बाद जो आएगा वो आपको बहुत ज़्यादा पीसफुल महसूस कराने वाला है। इसलिए अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत टफ सिचुएशन चल रहा है अभी प्रेजेंस में, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है लाइफ में और आपने सब कुछ कर लिया है, अब आपको लगता है कि आपको अपने उस विश के लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगाना है, आप लेट गो कर चुके हैं और बहुत सारी नेगेटिविटी आ रही है, समझ लीजिए कि ये नेगेटिविटी यूनिवर्स की तरफ से आपका टेस्ट लिया जा रहा है। इसलिए आपको गिव अप नहीं करना है। जितनी भी नेगेटिविटी आ रही है, आप मेडिटेशन कीजिए और ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको वो लर्न करवा रहे हैं इतना बड़ा लेसन। क्योंकि जब किसी की भी बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली होती है तो एक बार यूनिवर्स उसका टेस्ट ज़रूर लेते हैं कि जो चीज़ वो आपको देने जा रहे हैं, जो जिम्मेदारियां आपको मिलने वाली हैं, क्या आप उसके लायक हैं, क्या आप इतना परिपक्व हैं। ऐसा तो नहीं है कि बड़ा पावर मिलने के बाद आप गलत राह पर चल पड़े और सारी चीज़ों को भूल जाए, अपने लाइफ के उद्देश्य को भूल जाए, इसलिए आपका टेस्ट लिया जा रहा है। तो इस टेस्ट में आपको 100% लाना है और अभी से ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपके लाइफ में जो भी चीज़ें आ रही हैं
अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ आएं। ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव हो जाओ और आपके डोर तक आई हुई विश को आप पीछे धकेल दो। पॉजिटिव रहो और ब्रह्मांड का शुक्रिया करते रहो कि आपके विश मैनिफेस्ट हो चुकी है। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी मदद मिली हो और आप यूनिवर्स के साइन को समझ पाए हो। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको गिव अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टफ सिचुएशन के बाद जो लाइफ आपको मिलती है वो बहुत ब्यूटीफुल होती है। तो खुश रहिए आप सभी, और इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, और मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी है skywings222, वहाँ फॉलो कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुद का ध्यान रखिए, सेल्फ लव कीजिए और अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिए। प्यार खुद से भी कीजिए, दूसरों से भी कीजिए, और इस चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतना रिस्पेक्ट देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत सारा प्यार, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।